इंस्टीट्यूट भोपाल, प्रोसेस एप्लीकेशन लेयर TCP/IP में हम पढ़ रहे थे प्रोटोकॉल्स। तो अब हम जो अगला प्रोटोकॉल पढ़ने जा रहे हैं, प्रोटोकॉल बता दूं, प्रोटोकॉल एक नियम होते हैं जो सेट ऑफ रूल को गवर्न करते हैं। तो TCP/IP प्रोटोकॉल्स का समूह है। तो उसमें अब हम पढ़ने जा रहे हैं HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP को अगर बात करूं तो ये फाउंडेशन है डाटा कम्युनिकेशन, WWW के लिए, वर्ल्ड वाइड वेब के लिए, ठीक है। इसके कई सारे वर्जन्स आए, HTTP 1.1, HTTP 2, तो इसके अलावा HTTP 3 प्रपोज्ड है, सक्सेसर है HTTP 2 का। सब में कुछ ना कुछ टेक्निक्स बढ़ती गई। HTTP बेसिकली, जब भी आप अगर कोई वेबसाइट लेते हैं तो वहाँ पर क्या लगता है, जैसे तो यहाँ पर लगेगा HTTP:// इस तरह से क्या करता है, काम करता है। तो HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके जो वर्जन्स थे वो थे आपका, जो बेसिकली था HTTP, फिर 1.1 आया, फिर 2 आया, ऐसे इसके वर्जन्स बढ़ते गए। तो जैसे जैसे वर्जन्स बढ़े तो जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उसको इसने अडॉप्ट किया और जो कमियां पुराने में थी उसको ख़त्म किया। HTTP 2 की बात करें तो वो बेसिकली क्या था, उसने जो ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है उसको भी क्या किया, सपोर्ट किया एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नेगोशिएशन करके। तो ये इसका मेन काम था। इसके अलावा जो HTTP 3 है, जो HTTP 2 के बाद आया, ऑब्वियसली बाद में ही आएगा, तो इसने क्या किया, जो क्लाउड फ्लेयर है और गूगल क्रोम है, तो मतलब उसमें इसको जोड़ा गया गूगल क्रोम और क्लाउड फ्लेयर में, और स्टेबल वर्जन है अभी क्रोम और फायरफॉक्स का। तो मेन काम क्या है इसका, HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये वेब पेज शेयरिंग में मदद करता है। इसके बाद आता है HTTPS। ये जब हम वेब पेज वेब सर्वर बनाते हैं तो वहाँ पर इसको हम प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं कि जैसे हमने एक वेब पेज बनाया, HTTP नॉर्मली कॉन्फ़िगर किया, तो जो वेब पेज आप डालेंगे HTML कोडिंग करके, उसके बाद जो भी आप लिखेंगे, तो इसके बीच में जो लिखा है वो इस वेब पेज में क्या होगा, जब आप खोलेंगे आप अपना नॉर्मल सर्वर बना के, तो वो यहाँ पर शो होने लगेगा। तो HTTPS में क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, तो हम इसमें S लगा के इसको सिक्योर कर देते हैं कि जब वेब पेज खुले तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड क्या करें, मांगे। तो जितना भी HTTPS में आपने कॉन्फ़िगर किया यूज़र्स के लिए जो पासवर्ड, तो वो वेब पेज खोलने के लिए क्या करेगा, वहाँ पर पासवर्ड मांगेगा। तो ये HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का सिक्योरिटी उसमें ऐड हो जाती है। इसके बाद आता है NNTP, नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफर प्रोटोकॉल। NNTP नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफर प्रोटोकॉल का क्या काम है, जैसे नेटवर्क में कोई नए सर्वर जुड़े हैं तो उनको नेट न्यूज़ देना कि क्या नेट न्यूज़ है, जिसे हम कहते हैं यूज़ नेट न्यूज़ आर्टिकल्स। तो न्यूज़ सर्वर्स के बीच ये काम करता है। इसके अलावा इसका काम ये होता है कि नेट सर्वर एंड फॉर रीडिंग एंड पोस्टिंग आर्टिकल्स बाई बेसिकली एंड यूज़र क्लाइंट, जो एंड यूज़र क्लाइंट्स हैं उनके द्वारा जो न्यूज़ वगैरह पोस्ट की गई है, रीड की गई है, तो उसको भी ये क्या करता है, पहुंचाने में मदद करता है। बेसिकली इसका अगर हम कंसेप्ट देखें तो 1986 में ये करीब जो कैलिफोर्निया, सैन डियागो, इन सब ने मिलके क्या किया था, इसको लिखा था, द स्पेसिफिकेशन ऑन द नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये है नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सर्वर्स के बीच जो नेट न्यूज़ है, यूज़ नेट न्यूज़ है, उसको ले जाने लाने में मदद करता है। इसके अलावा जो एंड यूज़र्स द्वारा जो आर्टिकल्स वगैरह लिखे गए उनको भी क्या करता है, लाने ले जाने में मदद करता है। तो ये है नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके बाद आता है NTP। NTP का फुल फॉर्म होता है बेसिकली नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, सारे नेटवर्क की क्लॉक्स को एक जैसा सिंक्रोनाइज करता है ताकि सब एक टाइम पर चले। मतलब जैसे ही आप नेटवर्क में लेते हो मशीनों को, इंटरनेट से कनेक्टेड है या मोबाइल जो भी है, तो उनको क्या करता है, NTP इज़ एन इंटरनेट प्रोटोकॉल दैट इज़ यूज्ड टू सिंक्रोनाइज द क्लॉक ऑन कंप्यूटर नेटवर्क विद इन अ फ्यू मिलीसेकंड्स। मतलब जितने भी क्लॉक्स हैं कंप्यूटर या सिस्टम्स की, उनको क्या करता है, सिंक्रोनाइज करता है, कितना, मिलीसेकंड्स के अंदर। यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट, इसका मेन काम क्या, जितने भी डिवाइसेस लगे हैं उनको इनेबल कर देता है ताकि वो UTC मतलब यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम से रिक्वेस्ट रिसीव कर सकें, उनको रिक्वेस्ट भेज सकें, और ये UTC होता है सर्वर में। तो इसका काम क्या होता है, जितने भी नेटवर्क में हैं वो सब एक कॉमन टाइम में क्या हो जाना चाहिए, मशीनें आ जाना चाहिए। तो ये होता है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। ये भी प्रोसेस एप्लीकेशन लेयर का ही प्रोटोकॉल है TCP/IP का। इसके बाद होता है
अगला प्रोटोकॉल इसके बाद आता है LPR, लाइन प्रिंटर रिमोट। ठीक है, ये सर्वर है, यहाँ पर आपका प्रिंटर कनेक्टेड है, ये आपका नोड है, क्लाइंट है। तो यहाँ से जो रिक्वेस्ट आपने सर्वर को भेजी प्रिंट आउट के लिए, तो क्लाइंट साइड पे LPR काम करता है, लाइन प्रिंटर रिमोट। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है, ये क्लाइंट साइड से प्रिंट आउट प्रिंट सर्वर को भेजने का काम करता है, ये LPR ये काम करता है। ठीक है, क्लियर हो गई कहानी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है DNS। DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सर्वर, जो आप कहना चाहें। इसका मेन काम क्या है, अब जैसे मेरा नाम आप मान लीजिए कि एक्स है, पर्टिकुलर दूसरे आदमी का नाम वाई और जेड है। एक्स की जगह हम हिंदी नेम लेते हैं, राम है, श्याम है और रोहित है। ठीक है, इसकी जगह मैं बोलूं कि आप याद करिए 39 31 59 51.1.1.1.1, याद करिए 39.1.1.1, तो क्या याद करना आसान होगा? तो ऑब्वियसली आदमी बोलेगा नाम याद करना आसान है। तो इसी तरह से DNS को बनाया गया ताकि क्या करे, इसका नाम, इसका मेन काम है कि जितनी वेबसाइटें हैं, जैसे याहू है, जैसे आपकी रेडिफ है, सिफी है, जो भी वेबसाइट है कोरोना से रिलेटेड कुछ आपको देखना है, तो इनकी जगह उन्होंने क्या किया, DNS ने क्या किया, इनका जो IP एड्रेस था, जो भी IP एड्रेस था, IP एड्रेस पे जल्दी वीडियो डालूंगा मैं, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ एड्रेस, ऐसे एड्रेस नहीं होते, एक एड्रेस एग्जांपल दे रहा हूँ मैं सिर्फ। अब आपको बोलूँ कि आप इसकी जगह ये याद करो, रामायण वेबसाइट है तो रामायण की जगह आप 10.1.23 याद करो। तो आप जब वेब पे टाइप करो www.rammayan.com की जगह आप वहाँ टाइप करो 129.30.1.1, तो क्या याद करना आसान होगा, आपको हमेशा नाम याद। तो DNS ने बोला आप चिंता छोड़ो, आप तो नाम लोगों को बताओ, जो नाम होगा, जो नेम आएगा, उसको मैं क्या करूँगा IP में कन्वर्ट कर दूंगा। तो इसका मेन काम क्या है, DNS का मेन काम नेम टू IP और IP टू नेम में क्या करना, रिजॉल्व करना। तो जो भी आप दे रहे हो उसको सीधा क्या कर देता है, ये रिजॉल्व कर देता है, आपका सारा हेडेक खत्म। आप नाम से कॉल करिए, वो सीधा उसको कायम बदल देगा IP एड्रेस में और आपके सामने वो वेबसाइट आ जाएगी। तो ये काम है इसको DNS का। अब एक और आता है विंस, विंडोज इंटरनेट नेम सर्विस, ठीक DNS जैसा है लेकिन विंडोज प्लेटफॉर्म पर काम करता है। DNS क्या है मार्केट में, तो और DNS को ही हम यूनिवर्सली यूज़ करते हैं, विंस विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए, इसलिए इसको यूज़ नहीं करते हैं, मतलब DNS का ज़्यादा यूज़ होता है। अब देखिए LDAP, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, यह IP मल्टीकास्ट सेशन को मैनेज करने में मदद करता है। कौन सा होस्ट किस मल्टी कास्ट ग्रुप से है, वो एक चीज़ तो, सॉरी LDAP बेसिकली यह एक स्टैंडर्ड देता है कि आप डायरेक्टरी सर्विसेज को कैसे एक्सेस कर पाए। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ इसका, प्रोवाइड सेंट्रल प्लेस टू स्टोर यूजर नेम एंड पासवर्ड, मतलब सेंट्रल प्लेस देता है ताकि यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ स्टोर रहे। दिस अलाउज एप्लीकेशंस एंड सर्वर, दिस अलाउज एप्लीकेशंस एंड सर्वर्स टू कनेक्ट टू LDAP सर्वर्स टू वैलिडेट यूजर नेम एंड पासवर्ड। मतलब अब ये जो भी हैं इससे जैसे भी कनेक्ट होंगे, तो जो भी यूज़र कनेक्ट होगा तो ये वैलिडेट करेगा, वैलिडेट मतलब उसको बताएगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड सही है कि नहीं। तो ये होता है LDAP डायरेक्टरीज। यहाँ पर HR एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, यहाँ कस्टमर रिकॉर्ड, ये बिजनेस एप्लीकेशंस और ये IT इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कैसे इससे क्या होंगे, इस तरह से कनेक्ट होंगे और ये भी फिर क्या होगा, इस तरह से ये सर्विसेज को LDAP मेंटेन करता है। यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर जो मैंने बनाया वो क्या क्या है, यहाँ पर जैसे बेसिकली हम बात करें तो यहाँ पर असेट ट्रैकिंग, टाइम ट्रैकिंग, ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, ऑनलाइन प्रोडक्ट कैटलॉग है, इसके अलावा यहाँ पर जो होगा टाइम ट्रैकिंग है, विंडोज़ यूज़र अकाउंट है, इसके अलावा ईमेल सर्वर्स है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस मैनेजमेंट है। तो इस तरह से एक सेंटर प्लेस हो जाता है LDAP सारे यूज़र्स को वैलिडेट करने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए कि वो पर्टिकुलर इस चीज़ के हकदार हैं या नहीं। तो उस तरह का काम LDAP का होता है। अगला सर्वर IGMP का अगर मैं यूज बोलूँ, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, बेसिक इसका फंडा ये है कि इसमें जो यूज़र होता है मल्टीकास्ट करके ये बताता है कि वो किस ग्रुप का है, सिंपल सा फंडा इतना है। विंडोज सर्वर
यूडीपी आरटीपी जो मल्टीकास्ट ट्रैफिक है, ये राउटर्स हैं, ये स्विचेस हैं और ये वीडियो क्लाइंट्स हैं। तो सिर्फ ये सूचना देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। द प्रोटोकॉल अलाउज अ होस्ट टू एडवर्टाइज इट्स मल्टी ग्रुप मेंबरशिप टू नेबरिंग स्विचेस एंड राउटर्स, ये इसका मेन कंसेप्ट है। इसके अलावा IGMP इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ IPv4। IGMP का यूज़ हम कैन वी यूज फॉर 1-to-many नेटवर्किंग एप्लीकेशंस। कई सारे नेटवर्किंग एप्लीकेशंस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्ट्रीमिंग वीडियो गेमिंग्स, इसमें हम इसका यूज़ करते हैं। व्हेन सपोर्टिंग दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन IGP इज यूज्ड ऑन IPv4 नेटवर्क। तो ये अब तक का IGMP का है। इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, बेसिकली होस्ट यूज्ड बाय होस्ट एंड एडजेसेंट राउटर ऑन IPV नेटवर्क टू एस्टेब्लिश मल्टीकास्ट ग्रुप मेंबरशिप। ये इसका मेन काम है कि मतलब मल्टीकास्ट ग्रुप में क्या मेंबरशिप है, वो राउटर और स्विचेस को इन्फॉर्मेशन देने का काम यूज़र द्वारा किया जाता है। वीडियो जो क्लाइंट्स हैं, स्ट्रीमिंग के जो क्लाइंट्स हैं, उनमें ये बहुत मददगार साबित होता है। तो मतलब यूज़र की आइडेंटिटी मल्टीकास्ट ग्रुप में क्या है वो ये बताने का काम यहाँ पर करता है। मल्टीकास्टिंग बेसिकली बहुत अच्छा टॉपिक है, उस पर जब हम CCNA के कोर टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, मल्टीकास्टिंग आएगा, तो वहाँ पर इसको एग्जांपल के साथ आपको क्लियर करूँगा। अभी ये सिर्फ नॉर्मल इंट्रोडक्शन है प्रोटोकॉल्स का। तो ये थे प्रोसेस एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स। अपीपा और बता देता हूँ, ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेस, इसको आप देख लीजिए। अब जैसे एक मशीन है वो स्टार्ट हुई, अगर उसके पास कहीं से आपने अगर IP उसको दे दिया तो ये हो गया उसका स्टैटिक IP। अब अगर वो किसी सर्वर से IP ले रहा है, मतलब DHCP सर्वर से, तो ये हो गया उसका डायनेमिक IP जो भी उसने अलॉट किया। अब अगर ये दोनों चीज़ अनअवेलेबल है तो विंडोज़ ने क्या एक सिस्टम किया हुआ, अपीपा, ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेसिंग, ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेसिंग, ठीक है। इसकी रेंज क्या है, 169.254.255.255.0.0, यहाँ .0.1 से कहाँ तक जाएगा, 169.254.255.255.0। तो ये विंडोज़ द्वारा ऑटोमेटिकली एड्रेस क्या कर दिया जाता है, असाइन कर दिया जाता है अगर मशीन को कहीं से IP एड्रेस नहीं मिला है। तो ये था वीडियो, प्रोसेस एप्लीकेशन लेयर्स के कुछ प्रोटोकॉल्स हमने डिस्कस किए। कल हम डिस्कस करेंगे TCP और UDP प्रोटोकॉल्स। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।